गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने ईवीएस में 174 पेज नंबर 174 में स्टडी किया था और इसमें हमने अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाई किया था, आईज, ईयर्स एंड नोज, टंग, स्किन के बारे में, है ना। तो ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो फाइव टाइप के सेंस ऑर्गन्स जो बता रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ जरा मैं बताने जा रहा हूँ। फाइव जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्होंने एक दिन अपने आपस में आर्गूमेंट किया। जो पेज नंबर 175 है, इसमें आर्गूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसा आर्गूमेंट? आर्गूमेंट मीन्स होता है बहस, ठीक है। आर्गूमेंट की कि हु इज़ द बॉस, हु इज़ द बॉस, बॉस कौन है, मतलब हम पांचों में बॉस कौन है। तो इन लोग की आपस में बात चलती है तो क्या बोलते हैं देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, देखें आप भी और आप भी समझेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, मतलब जो नीचे दी हुई स्टोरी उसको पढ़ना है, एंड से विच सेंस ऑर्गेन इज द बॉस, और इसमें से कौन सा सेंस ऑर्गेन जो है वो बॉस है हमें बताना है, ठीक है। आप भी थिंक करें और बताएं, थिंक मीन सोचेंगे। वंस, ओ एन सी, वंस मतलब होता है एक बार। वंस ऑल द सेंस ऑर्गेन्स ऑफ अ मैन हैड एन आर्गूमेंट, मीन्स एक बार सभी सेंस ऑर्गन्स ने जो हमारे होते हैं वो उन्होंने क्या किया, आर्गूमेंट किया, मीन्स बहस किया। द नोज सैड, नोज ने कहा, द नोज सैड, से का सेकेंड फॉर्म है सैड, सैड से मीन्स कहना होता है। तो द नोज सैड, नोज ने कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट मतलब मैं सबसे महान हूँ। विदाउट मी, विदाउट मी मतलब मेरे बिना, विदाउट मीन्स होता है के बिना, तो विदाउट मी मीन्स मेरे बिना। यू कैन नॉट स्मेल, तो मेरे बिना सूंघ नहीं सकते, मतलब स्मेल करना मतलब सूंघना होता है, नोज से आप सूंघते हैं ना कोई चीज़, ओके। द आईज सैड, आई ने कहा, सर्टनली नॉट, अचानक क्या क्या उसने, नॉट नहीं, विदाउट मी मेरे बिना, यू कैन नॉट गो एनी वेयर, यू कैन नॉट गो मीन्स तुम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, एनी वेयर मीन्स कहीं नहीं जा सकते, और डू एनी थिंग ना ही तुम कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, आँख बंद कर लेंगे तो आपको कहीं दिखाई देगा कुछ, कुछ नहीं दिखाई देगा, ना आप कहीं जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं ना। आईज ने ऐसा कहा कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बॉस हूँ। फिर द स्किन सैड, स्किन ने कहा, विदाउट मी यू कुड फ्रीज, तुम मेरे बिना क्या हो जाओगे, यू कुड फ्रीज, फ्रीज मतलब जम जाओगे। यदि स्किन नहीं होगी तो आपको ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और इवन गेट बर्न बिकॉज, और क्या हो सकता है, बर्न का सेकेंड फॉर्म है बर्न, बर्न मीन्स होता है जलना, या आप क्या हो जाओगे, जल जाओगे। बिकॉज यू वुड नॉट, ये वुड लिखा है WOULD, वुड, यू वुड नॉट नो, नो मीन्स होता है जानना, वॉट इज हॉट और वॉट इज कोल्ड। स्किन कहती है कि यदि मैं नहीं होंगी तो आप जम सकते हो या जल सकते हो, जल भी सकते हो आग से, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गर्म क्या है और ठंडा क्या है, ठीक है। तो स्किन बोल रही कि मैं बॉस हूँ, मेरे बिना आपको इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। टंग ने कहा, द सैड टंग सैड, टंग ने कहा, आई गिव द कमांड्स, मैं क्या बोलती हूँ, क्या कहती हूँ, मैं कमांड देती हूँ, सो आई एम द बॉस। टंग ने बोला, मैं बोलती हूँ मतलब मैं बोलने में हेल्प करती हूँ, इसलिए मैं बॉस हूँ। सिंस दे कुड नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन, क्या हुआ उनको सॉल्यूशन, दे कुड नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन नहीं मिला कि बॉस कौन है। फाइव ऑर्गेन्स तो सभी बोल रहे हैं कि मैं बॉस हूँ, लेकिन उनको लास्ट में क्या नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला कि कौन बॉस है। तो क्या किया उन्होंने, दे ऑल आस्ड, उन्होंने क्या किया, द मैन, दे ऑल आस्ड द मैन, उन्होंने आदमी से पूछा, विच ऑफ देम उनमें से कौन सा, विच ऑफ देम मीन्स उनमें से कौन सा, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाज द मोस्ट, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्व है या इम्पॉर्टेंट, आप इंग्लिश जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गेन्स है, उन्होंने आदमी से पूछा। तो आदमी ने क्या बोला, द मैन रिप्लाइड, मैन ने रिप्लाई किया, आई नीड ऑल,
आई नीड ऑल, नीड मीन्स होता है ज़रूरत, मुझे सबकी ज़रूरत है, ऑफ़ यू आप सभी की, टू नो जानने के लिए, द वर्ल्ड अराउंड मी जो दुनिया में मेरे आसपास जो लोग हैं, दुनिया को जानने के लिए देखने के लिए मुझे आप सभी की ज़रूरत है। आप सोचो यदि नाक कान नाक मुंह स्किन कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ें पार्ट्स नहीं होगा तो आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है ना। इसलिए मैन ने बोला कि मुझे सबकी ज़रूरत है इस दुनिया को जानने के लिए। टू मी ऑल ऑफ यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, फॉर टू मी मतलब मेरे लिए आप सभी क्या है, इक्वली मीन्स होता है बराबर, इक्वली मीन्स बराबर, इम्पॉर्टेंट मीन्स आप सभी मेरे लिए बराबर इम्पॉर्टेंस रखते हैं, सबकी महत्व मेरे लिए बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ टीम, हमारी बॉडी जो है वर्क्स मीन्स काम करती है, लाइक अ टीम मतलब टीम के तरह, टीम की तरह काम करती है, कोई एक पार्ट नहीं काम करता, सभी लोग काम करते हैं हमारे बॉडी में। विदाउट द टीम, बिना टीम के एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स मतलब हर पार्ट के जो इफर्ट होते हैं, जो हेल्प होती है ना, आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन, हमारा बॉडी काम नहीं कर सकता। इसलिए हमारे बॉडी में हर एक पार्ट का महत्व है, इम्पोर्टेंस है उसका, इसलिए हमारे बॉडी में कोई एक चीज़ बॉस नहीं है, हमारा हर बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गेन्स क्या है, वो ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें आगे, वर्ड मेज, लुक एट द क्लूज गिवन बिलो, ईच रैम्स विद द सेंस ऑर्गन, राइट द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। आपको ये देख कर यहाँ पर आपको फील करना है, जैसे यहाँ पर YOUNZ प्राइज थीन रोज ईयर्स लिखा है, तो आपको यहाँ सेट करना है, पजल टाइप का बनना है, इसे आपको पेरेंट्स की मदद से इसे करना है। ये पेज नंबर 175 पर हमने स्टडी किया, इसे आप फिर से रीड करेंगे जैसे मैंने बताया है, 2-3 बार रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज में मैं अगले वीडियो के बारे में बताऊंगा आपको। ओके, बट ये क्लास वर्क होमवर्क दोनों है, आपको इसको 2-3 बार वॉच करना है, देखना है, और जो मैंने पढ़कर सुनाया है उसको भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे फोनेटिक साउंड के साथ। ओके बेटा, ठीक है।